नेशन ले ली है। हाँ मुझे स्लिप बना रहे अंकल 50 की कुछ और दे दे, खीरे दे दे। साथ साथ कैल्शियम सी भी पी रही हूँ और पीस जो है वो मैं उसको निकाल रही हूँ ताकि मैं इनको प्रिजर्व कर रही हूँ। ये पुदीना थी ना, इनको मैंने जो है ले लिया था चटनी बनाने के लिए, और जो पेड़ हैं इनको मैंने निकाल के रखा है सारा, ताकि जो है इनको मैं फ्रीज करके रखता हूँ। बैग होते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं, जिप लॉक बैग भी हम इनको कहते हैं। इसमें जो है ना ये हर साइज़ के आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। अम्मा जी तो अपने सुपर स्टोर से मैंने लिया है जो हमारे घर के साथ ही है, या आप लोगों को भी ऐसे ही मिल जाएंगे। और अदरवाइज इनकी अपनी मार्केट होती है जहाँ पे प्रॉपर जो बैग जो शॉपर होते हैं ना वो मिलते हैं, ये वहीं से ही मिलते हैं, ये ओपन मिलते हैं। ठीक है, ये मैंने लिया है जिप लॉक बैग, लाइक 200 का ये मुझे पैकेट आया है, और इसमें होंगे अंदर 15 बैग्स होंगे इसके अंदर। अब मैं इसे खोलती हूँ, हम देखते हैं इसका साइज़ क्या है, वेदर इसके लिए वो इनफ है या बड़ा है या छोटा है, तो भी करते हैं। फिर मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, फिर मैं इसको फ्रीजर में रख दूँगी, ये मेरे लिए बड़ा ही हेल्पफुल होता है। फिलहाल इसको मैंने खोला है, दिस इज़ वेरी नाइस एंड क्यूटेस्ट वाइब्स बैग जो है ना ये हैं। इसमें यू कैन प्रिजर्व फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, चिकन एंड मीट। इसके बड़ा ये डिफरेंट हैं, जो दूसरे होते हैं ना मेरे पास वो दूसरे हैं, जो इसको ऐसे फिक्स करते हैं वो हो जाते हैं, इसके जो प्रॉपर लॉक वाला है ना, तो इसमें जो है इनफ है कि मेरे फ्रीज जो है ना वो जगह भी बच जाएगी इसकी। मेरे पहले बैग्स पड़े हुए थे चिकन के, और अब मैंने जो है इसी के अंदर आ गए हैं। कितना अच्छा लगता है, इस तरह सिस्टमाइज लगती है। या इट्स टाइम टू मेक अचार गोश्त, तो मैंने इसके ले लिया था नेशनल का अचार गोश्त मसाला। इट्स वेरी इजी रेसिपी। सबसे पहले आप छोटे से बाउल में जितना भी आपको रिक्वायर्ड है अचार का मसाला, तो आप वो अचार गोश्त मसाला डाल दें, तो उसके अंदर आप लेमन जूस डाल के, एंड उसके साथ साथ आप विनीगर लाइक जो सिरका होता है आप वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से, तो आप जो है जितनी भी चिलीज रिक्वायर्ड है, आप देखें ना कितना केजी बना रहे हैं। मैं बना रही थी 1 kg, और उसके अंदर मैंने डाली थी 7 to 8 ग्रीन चिलीज। इसको मैंने इस तरह से कट करके फिर मैंने उसके अंदर मसाले की फिलिंग कर ली। चिलीज़ को फिल करने के बाद आप प्याज ले लें 4 से 5, क्योंकि मैं 1 kg चिकन यूज़ कर रही थी, तो मैंने 4 to 5 अनियन को बारीक काट के उसको गोल्डन फ्राई करके उसमें मैंने चिकन डाल दिया 1 kg, जो मेरा था बोनलेस चिकन, क्योंकि मैं यहाँ पे बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ। चिकन डालने के फ़ौरन बाद आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, और इसको इतना कुक करेंगे कि चिकन जो है वो गोल्डन हो जाए। जब वो गोल्डन हो जाएगा तो आप उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए। सॉल्ट डालने से ये होगा कि चिकन थोड़ा सा जायका आ जाएगा। सॉल्ट डालने के बाद मैंने योगर्ट डाल दी 5 to 6 स्पून, और उसके साथ ही टमाटर की ग्रेवी बना के हम डालेंगे। इसको हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, ग्रेवी मैंने बना ली थी, फिर मैंने 5 to 6 स्पून जो है मैंने अचार गोश्त मसाला डाल दिया था। इसको खूब हिलाएँ, खूब पकाएँ, गलाएँ। जब ये गल जाएगा तो इसके अंदर ग्रीन चिलीज डाल दें जो हमने फिल की हुई थी। यहाँ से मेरे से वो क्लिप डिलीट हो गया था, और ये मैं तस्वीर शेयर कर सकती हूँ, ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी बना था। सो वी आर गोइंग टू मिरर्स, वी आर हियर। अरे खुला हुआ है। कर्टन ट्रीटमेंट वगैरह कॉल किया।
आई एम हैविंग माई ट्रीटमेंट बिकॉज माई हस्बैंड इज़ कमिंग, सो मेरे हेयर इतने डेड हुए हुए थे, तो उन्होंने मेरे हेयर स्ट्रक्चर को देख के उन्होंने मुझे केराटिन प्लस एक्सटेंसो ट्रीटमेंट का मशवरा दिया। तो मैंने 4 to 5 hours में वहाँ बैठी रही, उसके बाद कहीं जाके मैं गहराई, मेरा सारा दिन वहीं पे लग गया। तो बस कुछ आके मैंने स्नैक्स खाए, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ से भी मैंने ब्लोअर अपने से दूर नहीं होने दिया था, तो घर आके मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। तो ये शाम के बाबा जो आए हुए थे इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स लेके आए हैं, इतनी ज़्यादा स्नैक्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए आई थी। तो मशाइम ने ऐसे ही ओपन कर ली, उसकी वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि बच्चों की बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि उसके पेरेंट्स कहीं से आ रहे हो, तो वो क्या गिफ्ट्स लेके आए हैं। मेरा जो बैग देखे नीचे पड़ा हुआ है, मुझे तो लग रही है शदीद सर्दी, मैं इसके आगे बैठ के ना पाँव के पास ही मैं इसको रख लेती हूँ और ये मैं खा रही हूँ। हम सब में सूरज का एक्सपोजर प्रॉपर तरह से नहीं होता, हालांकि यहाँ तो अक्सर जगह पे सूरज निकला होता है। एवरी डे इज़ अ संडे, जो नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का, हम उससे भरपूर तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते। इस तरह तो विटामिन डी जो है वो फिश में, एग में, नट्स में, डिफरेंट सब्जियों में भी विटामिन डी होता है। अगर किसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो डेफिशिएंसी खुराक से पूरी नहीं हो सकेगी, इसके लिए उसको बहुत सी मकदार में ना फ़िश खानी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मोस्टली हमारे मुल्क में कहीं भी देख लें, औरतों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं। अगर आप में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ये इन ड्रॉप डी इंजेक्शन एंड ओसोबर्न डी कैप्सूल जो हैं वो हाईली रिकमेंडेड हैं। आप इसको अपने डॉक्टर से उनकी डोज कितनी लेनी है, कब लेनी है, आप उनसे पूछ लें। लेकिन मेरे डॉक्टर ने जो मुझे रिकमेंड किया है, हर हफ्ते में मैंने एक लेना है और वो दूध के साथ में, तो पानी के साथ ले रही थी, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। और मैंने 4 weeks जो हैं वो कंटिन्यूसली लेने हैं। आप भी ले सकते हैं साल में एक दफ़ा, इसको कंटिन्यूसली नहीं ले सकते। खैर ये तो हो गया बहुत ज़्यादा, तो बस रात में थकावट थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने इस तरह के कुछ आके स्नैक्स वगैरह खा लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट जो मैंने ली थी वो 5 से 6 घंटे की थी, तो वो लेना कोई आसान काम नहीं था।